आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची और पिशावर के दरमियान बजरिया फैसलाबाद चलने वाली एक रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस में, जिसकी लीड पर लगा हुआ है कराची शेड का HGMU 38220 लोकोमोटिव। दोस्तों, इस ट्रेन में मुझे सफ़र करना था रहीमयार खान से मुल्तान कैंट तक का, और अंधेरा होने की वजह से मैं आप सबके सामने डिटेल व्लॉग नहीं पेश कर सका। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस ट्रेन का रहीमयार खान पे अराइवल 7:30 बजे का है और मुल्तान कैंट पे अराइवल 11:30 बजे का है। तो अंधेरा होने की वजह से मैं आप सबके सामने व्लॉग नहीं इसका पेश कर सका, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कंटेंट लेके आज आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, रहमान बाबा एक्सप्रेस को बहुत ही माकूल ट्रेन समझा जाता है इसके कम स्टॉपेजेस होने की वजह से। सबसे पहले तो इसके स्टॉपेजेस की बात कर लेते हैं, तो ये कराची से चल के हैदराबाद जंक्शन, रोहड़ी जंक्शन, रहीमयार खान, बहावलपुर, मुल्तान कैंट, टोपा टेक सिंह, फैसलाबाद, सांगला हिल, वजीराबाद जंक्शन से होती हुई सीधा रावलपिंडी जाती थी, लेकिन पिछले 2 हफ्ते के शेड्यूल से पाकिस्तान रेलवेज ने इसके मजीद 2 स्टॉपेजेस बढ़ा दिए हैं, जो कि अलीपुर चट्ठा रेलवे स्टेशन और लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की कुछ रेगुलर पैसेंजर ट्रेन्स और कुछ प्रीमियम ट्रेन्स का हमारी ट्रेन 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस से बिजली की रफ्तार में गुजर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।